हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका यादव आज आपसे बात करने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में। नक्स वोमिका एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है हर एक डिजीज में। तो कोई ऐसा ही होम्योपैथ होगा जिसकी फेवरेट मेडिसिन नक्स वोमिका ना हो, यानी कि ये आजकल के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो मैं आज आपसे बात करूंगी इसके माइंड नेचर से लेकर हर एक ऑर्गन में कैसा सिम्टम होता है, आप वो सिम्टम सिलेक्ट करके अपने साथ मैच करके नक्स वोमिका ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है मेडिसिन। तो अब बात करते हैं उसके माइंड के बारे में, उसका नेचर कैसा होगा। तो ये नक्स वोमिका होते हैं वो बहुत ही वर्कहोलिक होते हैं, यानी कि काम में उसका भगवान होता है। एक बार उसने अपना गोल सेट कर लिया तो उसको पाने के लिए वो 18-20 घंटे तक डेली काम कर सकते हैं। उसको काम करने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको ये काम करना है। और एक बार उसने जो गोल डिसाइड कर लिया वो गोल को पाने के लिए उसको साम दाम दंड भेद यानी कि कुछ भी करना पड़े, ऐसा ही नहीं है कि वो बहुत ही असीधा साधा है। उसको कुछ भी करके वो अपना गोल अचीव कर लेगा। उससे आगे कोई निकल जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा सा क्या होगा, जेलस टाइप का होगा, यानी कि मैं ही आगे रहना चाहिए ऐसा उसके अंदर एक भावना होगी। और फिर कैसा उसकी जो लाइफस्टाइल होगी वो पूरी सिडेंट्री होगी, यानी कि इतना जो काम करेगा आदमी तो उसके लिए एक रूम ही होगा जो उसमें वो बैठा रहेगा, पूरा दिन काम करता रहेगा। तो उसकी वजह से जब भी उसको काम करना होगा तो उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टिम्युलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आदमी काम करेगा 18-20 घंटे तक तो उसको स्टिम्युलेंट चाहिए होगा। बीच में चाय कॉफ़ी अल्कोहल, तो उसको चाय कॉफ़ी अल्कोहल की बहुत ज़्यादा हैबिट होगी। दिन में 4 या 5 बार या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम वो चाय कॉफ़ी या अल्कोहल जो भी उसको हैबिट होगी वो पीता रहेगा। और फिर ये जो होता है उसकी इल इफेक्ट होती है, उसको वो सूट भी नहीं करती अल्कोहल टोबेको, ये सारी चीज़ों से उसको एग्रावेट होती है सारी कंप्लेंट, तो भी वो उसको छोड़ नहीं सकता। उसको भी पता है लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता। दूसरा उसका मैं एक प्लस पॉइंट बताऊँ तो वो बहुत ही फ्रेंडली होगा, यानी कि उसके कॉन्टेक्ट बहुत होंगे, उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे। वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट रखेगा क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि भाई इसके साथ मैं अच्छा व्यवहार करूँगा तो आगे चल के मुझे एक काम आएगा, तो उसके लिए उसके बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा। वो पार्टी भी बहुत थ्रो करेगा, सबको खुश रखने की कोशिश करेगा अपने आसपास। और कभी कभी क्या होता है कि उसका काम नहीं निकलेगा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता होगा कि भाई अब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। तो जब भी काम नहीं होगा उसका जो भी डिसाइड किया हुआ टाइम पे या उस व्यक्ति से उसका काम नहीं होगा तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और दूसरा ये कि वो बहुत ही पर्टिकुलर होगा, अपनी चीजों के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर होगा, ये चीज यहाँ पर रखनी है तो वहां पर ही रहेगा, और ये मुझे कपड़े पहनने हैं तो यही पहनेगा, यानी कि फिक्स आइडियाज़ उसके होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा उसकी जो लाइफ होती है वो वेल मेंटेन होती है। यदि उसका कबर्ड देखेंगे वो वेल मेंटेन होगा, यदि उसकी सारी चीज़ों के तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब अपने आप मेंटेन करेगा। तो वो बहुत ही पर्टिकुलर इंसान है। और एक उसकी खास बात यह है कि उसको मोबाइल एडिक्शन होगी या फिर लैपटॉप एडिक्शन होगी, उसको बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। वो जैसे काम खत्म होगा अपना मोबाइल लेके बैठ जाएगा, अपना लैपटॉप लेके बैठ जाएगा। अब बात करते हैं उसके हेड सिम्टम के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बताऊँ, आप उसके जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है और जो वर्कोलिक है, ये दो मेन चीज़ें इसकी है, वो उसके सारे के सारे ऑर्गन पर इफेक्ट करेगी। यदि उसके हेड सिम्टम की बात करें तो उसको इतना ज़्यादा काम करेगा, मेंटल स्ट्रेस उतना होगा, उसके माइंड में पूरा दिन ये चलता रहेगा उसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा उसकी लाइफ में। तो उसका जो सिर है यहाँ का एरिया है वो उसको भारी भारीपन महसूस होगा। और दूसरी उसकी आईज़ की बात करते हैं तो उसको फोटोफोबिया होगा, यानी कि वो बहुत ही धूप में गया ही नहीं होगा इंसान इतना ज़्यादा। यदि आप भी ऐसा 5 या 6 घंटे तक कॉन्स्टेंट काम करेंगे नीचे देखकर, जब भी आप बाहर जाओगे लाइट में तो आपकी आँखें ऐसे थोड़ी देर खुलेगी नहीं, ऐसे बंद करके रख दूँ तो उसको फोटोफोबिया होगा। और फोटोफोबिया यानी कि इस तरह से जब भी वो धूप में ध्यान ऊपर देखने की ट्राई करेगा उसके आँखें दर्द करने लगेगी, ड्राई हो जाएगी पूरी की पूरी आँख, और उसकी वजह से उसको इचिंग होगी, बर्निंग होगी और रेड हो जाएगी उसकी पूरी आँख, तो उसको ये आँखों में फोटोफोबिया की प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं उसके नोज़ के बारे में। तो नोज़ में कैसे सिम्टम आएंगे, उसको ऐसे लगेगा कि मुझे यहाँ पर सब जाम हो गया है, सब पैक हो गया है, श्वास ही नहीं ले पा रहा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी।
और जो उसको डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज तो होता होगा, वाटरी डिस्चार्ज है, फिर भी उसको ये सारे के सारा एरिया जाम लगेगा और डिस्चार्ज भी कैसा होगा, एक रेड होगा, यानी कि उसको यहाँ पर नोस्टिल देखेंगे तो वो रेड हो जाएंगे, वहाँ पर उसकी जो स्किन है वो फटी फटी हो जाएगी एक रेड डिस्चार्ज की वजह से। और इसकी मेन सिम्टम जो है वो गैस्ट्रिक सिम्टम है। गैस्ट्रिक सिम्टम ऐसे कि उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, डकार आने की प्रॉब्लम होगी, गैस बहुत ज़्यादा बनता होगा, उसको स्टूल अच्छे से पास नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा। तो ऐसे लोग जो बार बार एसिडिटी की दवाई लेते रहते हो, जो ऐसे लोग जिसको बार बार कॉन्स्टिपेशन के लिए और कोई भी पर्गेटिव्स लेने होंगे, तो ऐसे लोगों को जिसको ऑलवेज गैस डिरेंजमेंट रहती है, जिसको गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट रहती है, उसके लिए नक्समेघा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ख़ास करके जिसको ये जो एलोपैथी मेडिसिन लेने से जिसको उसकी हैबिट हो चुकी है उसको छोड़ाने के लिए नक्समेघा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो सबसे पहले उसके माउथ सिम्टम की मैं बात करती हूँ, तो उसमें उसको एप्थस बार बार होते रहेंगे, बार बार उसको कहीं ना कहीं एप्थस हो जाएगा माउथ में। और उसकी यदि टंग आप चेक करोगे तो आगे की जो टंग होती है वो क्लीन होगी, लेकिन पीछे के भाग यानी कि इतना पीछे का भाग होता है वहाँ पर येलो और वाइट उसको छोटे छोटे पैचेस जैसे डेवलप हो जाएंगे। और यदि हम उसकी इधर की बात करें इसोफेगस की, तो इसोफेगस में क्या होगा, उसको बार बार डकार आती रहेगी, खाना मुंह में आता रहेगा, जिसको हम इसोफेजाइटिस बोलते हैं, इसोफेजाइटिस डेवलप हो चुकी होगी। और उसी की वजह से उसको कुछ भी खाएगा, उसको इंसान कुछ भी खाने की ट्राई करेगा तो उसको सीवियर दर्द होगा, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, डकार बहुत ज़्यादा आएंगे, उसको बार बार ऐसा लगेगा जो खाया है वो निकल जाएगा और कुछ ना कुछ माउथ फील्स आते रहेंगे, यानी कि जब भी खाएगा उसके एक घंटे बाद उसको सारा मुंह में वापस आएगा इधर तक, क्योंकि यहाँ का जो वाल होता है वो थोड़ा सा हाफ होता है, इसोफेजाइटिस जिसको बोलते हैं, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस उसको डेवलप हो गई होगी। और उसी के चलते उसको बार बार एलोपैथी मेडिसिन लेनी होती है, बार बार उसको एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। और जब तक उसकी बात करते हैं गैस बनने की, तो वो जब भी खाएगा, खाने के दो घंटे बाद उसको ऐसा लगेगा कि पेट खा सकेगा, उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी, वो खाएगा भी, उसको ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगी, खाए भी सकेगा, अच्छे से खाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन खाने के एक या दो घंटे बाद उसका पेट बहुत ही भारी हो जाएगा, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया, और उसके बाद उसको क्या लगेगा कि मैं इधर से बाहर निकाल दूँ सब चीज़ें, वोमिट कर दूँ, नोजिया आएगा लेकिन वोमिट नहीं होगी, और वो आखिर में उंगली डाल के वोमिट करेगा। डेली बेसिस पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब भी उसको बहुत ज़्यादा सीवियर गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट हो जाएगा तब चल के उसके सिम्टम बनेंगे। और फिर यदि उसको बहुत ज़्यादा गैस बन गई है तो गैस भी उसको बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि फ्लेटस उसको बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, पूरी गैस उसके पेट में चलती रहेगी। यदि आप उसके अब्डोमेन के एग्जामिन करेंगे, तो यदि आप उसको एग्जामिन करने की ट्राई करोगे उसके आप अब्डोमेन पे हाथ नहीं लगा पाओगे, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। यदि उसको इस तरह से छूने की ट्राई करोगे तो भी ऐसा निकल जाएगा, तो इतने ज़्यादा गैस डेवलप हो गए वो बाहर नहीं निकलेगी कोई भी चीज़, यानी कि वोमिट भी नहीं होगी उसको करनी पड़ेगी, फ्लेटस भी पास नहीं होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, डकार भी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। और उसको जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो किस तरह का होता है कि उसको दो या तीन दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उसके बाद क्या करेगा वो आदमी, कुछ ना कुछ पर्गेटिव्स लेगा, तो उसके बाद जैसे वो पर्गेटिव्स लेगा दूसरे दिन उसको डायरिया हो जाएगा, फिर एक या दो दिन वो कुछ नहीं लेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी कि उसकी जो स्टूल होती है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, और इसी के चल के उसको बहुत ज़्यादा फीसर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हार्ड स्टूल होगा तो फीसर डेवलप होगा, और बार बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा, उसके चल के उसको पाल्स की तकलीफ। तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं उसको फीसर फिस्टुला या पाल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसकी स्टूल पैटर्न कैसे होती है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, यानी कि वो बाथरूम में जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में स्टूल पास होगा, फिर बाहर आएगा दो या तीन मिनट बाद फिर से उसको अर्ज होगी कि भाई अभी मुझे फिर से टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो तीन चार बार टॉयलेट की विजिट करेगा, लेकिन उसको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि अभी मुझे स्टूल पास अच्छे से हो गया है, अच्छे से उसका पेट साफ नहीं होता। तो ये मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और इसी की तरह जैसे उसके स्टूल में जैसा होता है, उसे यूरिन सिम्टम भी सेम वैसे ही होते हैं, उसको यूरिन भी ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होगी। और कई बार क्या होता है, स्पेशली इन समर में
उसको बहुत ज़्यादा यूटीआई की कंप्लेन बार बार हो जाती होगी, उसको यूरिन में ब्लड आएगा और साथ में थोड़ा 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 यूरिन आएगा, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जब भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होगा और बहुत ही पेनफुल होगा, उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा। और यूटीआई जिसको बार बार होती है उसके लिए भी नक्सोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और साथ में ही रिनल स्टोन के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रिनल स्टोन में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग की तकलीफ रहती है, जिसको बहुत ज़्यादा बेकेक रहता है और स्टोन हो, उस लोगों को यदि आप नक्सोमिका बर्बेरिस के साथ देते हैं तो उसको स्टोन बहुत जल्दी पास हो जाता है और उसको ये सारे सिम्टम भी रिलीफ हो जाते हैं। तो नक्सोमिका वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है अपना। अब बात करते हैं उसके स्लीप पैटर्न की, तो उसकी स्लीप बहुत ही डिस्टर्ब होती है, वो एक आउल की तरह है, यानी कि वो रात में पूरी रात जग सकते हैं, दिन में उसको जैसे लेट उठते हैं 8 या 9 बजे उसके बाद तो उसकी सुबह उठती है, और रात में उसको क्या होता है मोबाइल एडिक्शन हो जाती है, लैपटॉप एडिक्शन, अपना कुछ भी काम करता रहते हैं, और जब भी वो पहले भी सो जाता है इंसान, यानी कि 10 या 12 बजे तक वो सो भी जाए तो भी रात में 3 या 4 बजे उसकी नींद खुल जाएगी, और फिर उसको नींद सुबह उठकर यानी कि 5 या 6 बजे के बाद उसको नींद आएगी, बहुत ही ज़्यादा उसको उठने में भी दिक्कत होगी, और इसी के चलते उसको बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है अल्कोहल या फिर कॉफ़ी की। और फिर सुबह क्या होता है, जब भी वो खा लेगा, नाश्ता करेगा या दोपहर में, खाने के 1 घंटे बाद उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, रात में नहीं सोएगा इंसान तो दिन में तो नींद आनी है। और यदि यहाँ पर जब उसको खाने के बाद नींद आती है, यदि वो 5 या 10 मिनट की भी नींद कर लेगी और वो उसको आ भी जाती है, नींद करने के बाद वो 10 घंटे तक काम कर सकेगा, तो उसको नींद में इस तरह की पैटर्न होती है, पूरी रात उसको जगना होता है, पूरे दिन उसको सोना होता है। और फिर इसकी स्किन सिम्टम की बात करें तो स्किन में जिसको अर्टिकेरिया की तकलीफ होती है, जिसको गैस्ट्रिक डिरेजमेंट के साथ साथ अर्टिकेरिया होता है, यानी कि गैस बनती है और उसको स्किन सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, तो जिसको अर्टिकेरिया या स्किन सिम्टम गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नक्सोमिका। तो बात करते हैं मेल के बारे में, तो मेल में 3 W होते हैं, यानी कि वाइन, वुमन एंड वेल्थ, और इन तीनों की बेड इफेक्ट भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग ऐसे जिसको इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी लड़की देखिए वो उसको एक्साइटमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को नाइटफॉल की या प्री मेच्योर एजुकुलेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इन लोगों को जो भी बेड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्सेस होते हैं, ये सारे सिम्टम उसमें देखने को मिलेंगे। और ऐसे लोग होते हैं जिसकी लाइफस्टाइल होती है वो पूरी की पूरी हाई लाइफस्टाइल होती है, पार्टी देते हैं, जो पूरी रात जगते हैं, और उन लोगों की वजह से ये सारे उसके जो भी हैबिट होते हैं उसके इफेक्ट भी इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आगे बताया गैस्ट्रिक डिरेजमेंट होती है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ये तीनों की वाइन, वेल्थ एंड वुमन, इन तीनों की जो बेड इफेक्ट होती है उसकी लाइफ में पूरी की पूरी अपर से लोअर बॉडी तक उसको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फीमेल सिम्टम के बारे में, तो फीमेल सिम्टम में उसका मेंसेस की बात करें तो वो बहुत ही प्रोफ्यूस होगा और बहुत ही पेनफुल होगा, और उसका नेचर हम ब्लड का देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का होगा और बहुत ही क्लॉट वाइज आएगा, ब्लैक क्लॉट होंगे और बहुत ही पेनफुल होगा। साथ में ही जो 40s के बाद कई लोगों को प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है, तो ये यूट्रस प्रोलेप्स विथ उसको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की तकलीफ होती है, दोनों कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पर ये अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं इसके बैक सिम्टम के बारे में, तो जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, जो बहुत ही बैठे बैठे काम करेगा, उसको बैकएक तो रहना ही है, और बैकएक ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ ऊपर के हिस्सों में उसको ज़्यादा बैक स्केप्युलर रीजन में उसको ऐसा लगेगा वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन है, ये टूट के चूर हो जाएगा, मुझे थोड़ी देर सोना पड़ेगा, तो जो स्केप्युलर रीजन होता है यहाँ के पीछे के भाग, वहाँ पर उसको बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जब भी वो सोता है इंसान तो खड़े होने की ट्राई करेगा तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा खड़ा, उसको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा और उसके बाद वो थोड़ा सा चल पाएगा, तो बैकएक बहुत ज़्यादा होता है। और ये सारे सिम्टम हो गए नक्सोमिका के बारे में, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स, आपको उसमें से ऐसा लगे कि मुझे इतने पाँच बहुत नक्सोमिका है पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, जो भी मैंने सिम्टम बताए वो सभी के सिम्पली सिम्टम आप में मिलेंगे ऐसा नहीं है, जब भी पर्टिकुलर मैंने डिजीज बताए उसमें पर्टिकुलर सिम्टम आप में है तो आप नक्सोमिका ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा, और सिम्टम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी सिम्टम्स मैंने बताए हैं।
और आपको किस पोटेंसी में लेनी है। स्टार्टिंग आप 30 से करना, 30 में आपको रिलीफ हो जाता है, 15 दिन तक 30 ली, जो भी सिम्टम है उसमें आपको 50% रिलीफ है, उसके बाद आप 200 पर शिफ्ट हो जाना। 900 में का 200 दो बुंद दिन में 3 बार लेना, कुछ ही दिनों में आपके सारे सिम्टम रिलीफ हो जाएंगे, चाहे वो गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट हो या कोई और भी, मैंने जो भी बताया आप वो अपनी तरह से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो फ्रेंड नक्स ओमेगा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यदि इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट सिस्टम रखिए जिसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। और आप फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, वीडियो पहले लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो भी आजकल की लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, उसकी इफेक्ट है, वहाँ पर नक्सोमेगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।